नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीरो से जीरो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरे पास एक सीआरटी टीवी आया था, ये ओनिडा टीवी है, ओनिडा कंपनी का टीवी। दोस्तों, इसमें फॉल्ट क्या था कि इस एसटीआर में एक प्रीसेट लगा हुआ था। यहाँ पर वो प्रीसेट बताता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक प्रीसेट लगा हुआ था 205। एक्चुअली इस प्रीसेट के ख़राब होने से क्या हुआ था दोस्तों, इस प्रीसेट के ख़राब होने से इस एसटीआर ने हाई वोल्टेज बना दिया था। और हाई वोल्टेज बनने से क्या हुआ था कि इस ईएसटी में जो लगता है 110 वोल्ट यानी कि 110 वोल्ट, ये 110 के जगह पर जा रहा था 200 वोल्ट। और इस ईएसटी में अगर 200 वोल्ट जाएगा दोस्तों, तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक आउटपुट आईसी शॉर्ट कर दिया। उसके बाद इस साइड में एक वर्टिकल आईसी, आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पर एक वर्टिकल आईसी, उसका भी नंबर डाल देता हूँ मैं। उस वर्टिकल आईसी को भी फॉल्ट हो सकता था इसके वजह से। और इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक फिलामेंट था तो वो कट चुका था दोस्तों। टीवी तो ऑन होता था, बस स्क्रीन नहीं आता था। और इस पिक्चर ट्यूब के अंदर एक एसी करंट जाता है जो 2 से 3 वोल्ट जाता है इस फिलामेंट के अंदर। अगर फिलामेंट हमारा ऑन नहीं होगा तो पिक्चर ट्यूब ऑन नहीं होगा दोस्तों। बाकी इस पर 180 वोल्ट तो बन रहे थे, बस हीटर वोल्टेज नहीं बन रहे थे। और ईएसटी ऑन होते बराबर ये आउटपुट को शॉर्ट कर दे रही थी दोस्तों। और अगर ईएसटी में अगर ज़्यादा वोल्ट जाएगा तो ईएसटी भी ख़राब होने का चांस है दोस्तों। तो मैंने क्या किया दोस्तों, आपको बताता हूँ। मैंने इसे इस ईएसटीआर को बाहर निकाला और इस प्रीसेट को मैंने, मेरे पास ऐसे जूने वाले एसटीआर पड़े हुए थे तो उसी पे से मैंने इसे टीवी को मैंने रिपेयर किया है दोस्तों। आपको ऑन कर बताता हूँ टीवी में एक बार। ये हमारा टीवी का पिन, इसे सीरीज में लगाता हूँ। देखिए बल्ब ऑन हुआ, टीवी ऑन हो चुका है। ये टीवी में देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्टैंड बाय लाइट बता रहा है। और इसके अंदर देखिए दोस्तों, फिलामेंट भी जल चुका है हीटर। दोस्तों ये देखिए टीवी ऑन हो चुका है। एक्चुअली आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर फॉल्ट कैसे आया है। देखिए दोस्तों, इस किट को मैंने पलटा दिया है। अब इतने बड़े पीसीबी पर थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे काम होता है इसका। ये दोस्तों इस साइड में ये एसी लीड है, यहाँ से हमारा पीसीबी है। पीसीबी के बाद में यहाँ पर फ्यूज़ वगैरह लाइन वगैरह लगाकर यहाँ से करंट हमारा इस जगह आ रहा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर है, और ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है 350 या 400 वोल्ट का। उसके बाद यहाँ पर जो एसटीआर लगा हुआ था, ये देखिए एसटीआर, ये चाइना एसटीआर है। इस चाइना एसटीआर के हाई वोल्टेज होने की वजह से इस ईएसटी के इस बी प्लस यानी के 110 वोल्ट के जगह पर यहाँ पर इस कैपेसिटर पर आ रहा था डायरेक्ट 200 वोल्ट। और इस 200 वोल्ट जब इस ईएसटी को जा रहा था तो इसी के बाजू में एक, ये दोस्तों कॉइल का ऑप्शन है दोस्तों। देखिए कॉइल यानी कि हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा होता है जो ईएसटी को हमारा स्पीड में स्विचिंग कराता है। ये ट्रांजिस्टर कट जा रहा था दोस्तों, हमें लग रहा था कि ईएसटी ख़राब है तो इसलिए ये ट्रांजिस्टर कट रहा है। पर एक्चुअली इस ईएसटी का मैंने इस साइड से कनेक्शन ओपन करने के बाद इस एसटीआर में थोड़ा वॉइस ज़्यादा आ रहा था, हर्मिंग ज़्यादा आ रही थी और स्पार्किंग का आवाज़ आ रहा था। क्योंकि दोस्तों इस ट्रांसफार्मर को बनाया कंपनी ने 110 या 120 वोल्ट उसके ऊपर नहीं जा सकता है। अगर इसमें 200 वोल्ट यहाँ से ये ट्रांजिस्टर 200 वोल्ट इसे सप्लाई दे रहा है एसटीआर, तो ये हमारा एसएमपीएस ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता था दोस्तों। इसलिए हमने क्या करे, इसका प्रीसेट चेंज किए। प्रीसेट चेंज करने के बाद इसका हर्मिंग वगैरह बंद हो चुका। फिर हमने इसे क्या किया, इस कैपेसिटर के माइनस पर और कैपेसिटर के प्लस पर दोस्तों हमने एक 100 वाट का बल्ब लगाया दोस्तों। जैसा इस सीरीज बल्ब लगा हुआ वैसा 100 वाट का हमने इसे बल्ब लगाया दोस्तों। लोड देने के बाद उस प्रीसेट को हमने घुमा कर उसे सेट किया है। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक्यूरेट 110 वोल्ट बन रहा है।
और उसके बाद में मैंने आउटपुट डाला और उसके बाद में हमारा इस साइड का पूरा वोल्टेज बन चुका है दोस्तों। और जो हीटर का जो कनेक्शन था दोस्तों, इस हीटर के कनेक्शन को मैंने सही कर लिया है, इसका एक रजिस्टर ओपन हो चुका था दोस्तों। चलिए मैं आपको एक बार वोल्टेज मेजरमेंट करके बताता हूँ, थोड़ा सावधानी से काम करिए दोस्तों, इसमें शॉक लगने का आपको खतरा है। ये मैंने ग्राउंड लगा दिया है, टीवी को मैं ऑन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें फिलामेंट जल चुका है, यानी कि टीवी ऑन हो चुका है। आपको मैं मल्टीमीटर पर बताता हूँ, 200 की रेंज हमने सेलेक्ट की डीसी, और इस ईएसटी के पॉइंट पर देखिए 110 वोल्ट आ रहा है, और यही 110 वोल्ट इस ईएसटी पे जा रहा है। और इस कॉइल पे वोल्टेज चेक नहीं करना दोस्तों, इसमें हाई स्विचिंग होती है ट्रांजिस्टर की, तो हमारा मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। जैसा कि इस साइड 110 आ रहा है, उसी के बाद में यहाँ पर 45 लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर कितना आ रहा है आपको, सॉरी दोस्तों इसे डाइवर्ट के आगे 45 आ रहा है दोस्तों। अगर आपके पास भी ऐसा ओनिडा का टीवी आता है जो KY थंडर 800 वाट बोल कर है, उसमें क्या है, उस टीवी में अगर फॉल्ट आता है तो मैं आप यहाँ पर एक बार वोल्टेज में मेजरमेंट कर देता हूँ। और दोस्तों इस ESD का नंबर मिट चुका है, वरना आपको ESD का नंबर भी बता देता था मैं। जैसे कि दोस्तों एक नंबर इसका कॉइल है यानी कि ट्रांजिस्टर है, तो हम चेक नहीं करेंगे। उसके बाद हम इस B1 लिखा यानी कि 110 वोल्ट, B1 के बाद में यहाँ पर लिखा एक खाली पॉइंट है, खाली पॉइंट के बाजू में यहाँ पर लिखा है 45 वोल्ट। तो इसे डायरेक्ट नहीं चेक करना है, यहाँ पर एक डायोड लगा, डायोड के बाद चेक करेंगे, तो 45 आ रहा है। उसके बाद उसी के बाजू में एक और एक है दोस्तों, यहाँ पर 16 वोल्ट लिखा हुआ है, इसके आगे एक डायवर्ट है, इसे डायवर्ट पे चेक करेंगे तो दोस्तों 15 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। उसी के बाद में दोस्तों एक और एक इस यहाँ पर एक कनेक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ABL लिखा हुआ है, ABL वोल्टेज, हम इसे एक बार DC में चेक करके देखते हैं क्या आ रहा है। DC में देखिए दोस्तों 6 वोल्ट आ रहा है, और मैं इसे AC करता हूँ, AC वोल्ट में 1912 ऐसा कुछ बता रहा है, बट एक्चुअली हम इसे DC में ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक रजिस्टर है, रजिस्टर के बाद हाँ ठीक है दोस्तों, 6 वोल्ट आ रहा है, ये ABL वोल्टेज है, ऑटो ब्राइटनेस लेवल ऐसा कुछ तो भी है दोस्तों शायद ये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक हीटर का है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है HE यानी कि हीटर। हीटर को हम कभी भी AC लाइन में चेक करते हैं, 200 AC पे रखा मैंने। देखिए दोस्तों हीटर अभी 3 वोल्ट आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था हाई ऑक्सीलेशन होने की वजह से, यानी कि हाई करंट इसमें जा रहा था, इसलिए हीटर इसका बन नहीं रहा था दोस्तों, ठीक है। उस हीटर के बाद में दोस्तों एक और एक वोल्ट है इसमें, इसको DC 200 पे रखेंगे हम। इस हीटर के बाजू में एक ये HB लिखा हुआ है, HB यानी कि मुझे लगता है ये हमारा इस बेस पे वोल्टेज आ रहा है, तो हम इसे AC में चेक करते हैं। AC में तो ये बता नहीं रहा है कि ज़्यादा वोल्ट होगा ये, हम इसे DC में चेक करेंगे दोस्तों। यहाँ से एक ट्रैक होकर इस यहाँ पर होकर इस हीटर लाइन पे गई है, तो इधर हीटर का HB आ रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी HB लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों 4 नंबर पर HB लिखा हुआ है, यहाँ पर HB लिखा हुआ है। इस HB से यहाँ पर एक कॉइल गई हुई है, और इस कॉइल के बाद में एक फिल्टर है, यहाँ पर इस फिल्टर पे चेक करते हैं हम दोस्तों। ये 180 वोल्ट है हमारे, जो इस ESD से निकलते हैं हमारे बेस बोर्ड के लिए। बेस बोर्ड पे दोस्तों हमारा जो RGB कलर होता है, रेड ग्रीन ब्लू, इन कलरों के थ्रू ये ऑपरेट होता है दोस्तों। यही 180 वोल्ट आपको बताते थे वो कहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर गए 180 वोल्ट,
जैसे कि यहाँ पर जी के यानी कि जी ग्रीन कलर को देखिए दोस्तों, 105 100, ये वेरिएबल होता है। जैसे जैसे हमारा डिस्प्ले पर पिक्चर चलेगा उस टाइप का ये वेरिएबल होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये वर्टिकल आईसी दोस्तों, इस वर्टिकल आईसी के लिए 45 और 15 वोल्ट ऐसा कुछ तो भी इसमें गया हुआ है दोस्तों। अगर दोस्तों अगर इसे हम ज़्यादा देर अगर चलाते, अगर ग्राहक भी चला लेता इसे ज़्यादा देर, तो क्या होता था, एक तो ई एस टी ख़राब होने के बाद इस वर्टिकल आईसी ख़राब, और वर्टिकल आईसी ख़राब होने के बाद में अगर ESD में अगर हाई स्पार्क होता है तो हमारा यहाँ पर जो मेन आईसी लगा ये भी ख़राब हो सकता है दोस्तों। यानी कि अगर पूरा बोला जाए तो हमें ये PCB फेंकना पड़ेगा और इसमें नया किट अगर डालना पड़ेगा, और अगर इसमें नया किट अगर लगता है तो नया किट से क्या होगा फॉल्ट, कि जैसे कि ये TV देखिए दोस्तों ऊपर वाला, इस साइड में देखिए ऊपर कनेक्शन है, ये ऊपर वाला TV दोस्तों KY Thunder, तो इस ऊपर का तो कोई कनेक्शन हमें काम में ही नहीं आएगा अगर हम इसमें चाइना किट बिता देते हैं। तो मैंने क्या किया दोस्तों, आपको एक बार बताता हूँ, इसको सीधा करता हूँ PCB को, ये देखिए ये ऊपर कनेक्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है बेस आउट, ये वीडियो की लाइन, मैंने बस इस प्रीसेट को चेंज किया और इसे सेट कर दिया 110 पर, और देखिए आउटपुट नया लगा दिया है, बाद में हमारा बाकी का सब ओके हो चुका है दोस्तों। अगर ऐसा नहीं करते थे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वर्टिकल आई से बहुत मुश्किल है आपको मिलना, इसका नंबर देख लीजिए TD8351, ये बहुत कम मिलता है दोस्तों मार्केट में और बहुत कम जगह यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ पर का आईसी भी आप मेजर कर लीजिए, आपके पास कोई TV आता है तो, ये देखिए ST92T195D7B1, ये हमारा क्रोम आईसी यानी कि कंट्रोल बटन वगैरह कंट्रोल करने के लिए, और इसके बाद में मेमोरी आईसी भी दोस्तों यहाँ पर 24C16 है दोस्तों ये मेमोरी आईसी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक मेन आईसी है हमारा, उस मेन आईसी का भी आपको बता देता हूँ, फिलिप्स का है TDA8841। और दोस्तों बाकी STR अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप 3 तार और 5 तार का मैच कर सकते हो, बट इसमें ESD का ऐसा फॉल्ट है कि दोस्तों इस ESD का स्टिकर मिट चुका है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ESD का स्टिकर मिट चुका है, उसकी वजह से मुझे दिखाते नहीं आ रहा था। बाकी आपको वर्टिकल ऐसी बता दिया, उसके बाद है हमारा ये मेन आईसी इस साइड का, और ये क्रोम आईसी, और ये मेमोरी आईसी। अगर आपके पास भी दोस्तों इस टाइप का किट आता है तो आप उसे, मैंने पार्ट वगैरह तो बता दिया, आप उसे सॉल्व वगैरह कर सकते हो। और ये ऊपर किट है दोस्तों इस साइड में, नहीं दोस्तों ऊपर किट नहीं, ये वीडियो सेक्शन है हमारा पूरा, एक तो इस साइड में ऑडियो वीडियो के कनेक्शन है, और इस साइड में देखिए दोस्तों ऊपर किट है। थैंक यू दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।